क्या क्या खा इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, मेरी रोजी रोटी है। सर अच्छी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पहला इधर, बहुत अच्छे भाई। पहला रोजी रोटी क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, बहुत अच्छी है। कैसी लगी? अमेजिंग मूवी। वी डिडंट गेट टू मीट रणवीर, बट या द मूवी वाज अमेजिंग एंड हिज एंट्री वाज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। व्हाट डू यू थिंक स्पेशल अबाउट द फिल्म रणवीर? या यू कैन सी इट इन द अपकमिंग मूवी वेयर वी विल गेट टू सी अक्षय, सो इट विल बी अ ट्रायो। रणवीर्स एक्टिंग इज अमेजिंग अमेजिंग एज ऑलवेज एज यूजुअल। इट इज बेटर देन सिंघम व्हाट वी हैव सीन अजय देवगन। आई हैव नॉट सीन सिंघम बट आई लव रणवीर। बहुत बहुत अच्छी मूवी है। क्या क्या खास लगा आपको रणवीर सिंह के बारे में अगर बोलना है? रणवीर सिंह के डायलॉग बहुत ऑसम है। कॉमेडी उन्होंने जो की उस कॉमेडी की बहुत बहुत अच्छी लगी। पांच में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार। थैंक यू सर। कैसे सर लगी फिल्म आपको? क्या कहना चाहिए फिल्म बहुत अच्छी है। रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में अगर बात करें? माइंड ब्लोइंग। रणवीर सिंह ने वाकई बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। क्या आपको लगता है सिंघम से कंपैरिजन होगा फिल्म का, और या अजय देवगन से अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने? सिंघम का अलग मामला है, इसका अलग मामला है। सिंघम भी एक बेहतरीन स्टोरी थी, इसकी भी बेहतरीन स्टोरी है। इसमें जहाँ से रेप का इन्होंने उठाया है मैटर फिल्म में, वो समझो साउथ से उठाया हुआ है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। अगर वही रखते साउथ का पूरा कंटेंट तो और हिट होती फिल्म। तो मतलब आपको लगता है कि एंड को उन्हें साउथ वाला रखना चाहिए? हाँ। 5 बजे कितने स्टार देना चाहिए? 5 बजे कितने स्टार? 5 में से 5 है भाई। और सारा और रणवीर में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर रहा है? दोनों जबरदस्त। थैंक यू सर। जी कैसी लगी फिल्म आपको, क्या कहना चाहेंगे बताइए सर। सर देखिए फिल्म जो है फर्स्ट हाफ जैसे मतलब पूरी फिल्म में रणवीर सिंह जब जब स्क्रीन पे होते हैं तो तब तब बहुत मज़ा आता है। कहानी बहुत सिंपल है, आके एंजॉय करना है, लेकिन इसमें नयापन नहीं है। कहानी को पुरानी कहानी को नए तरीके से पेश किया गया है और एंजॉय है। थोड़ा सा लंबी लगती है, 2 घंटा 45 मिनट ज़्यादा है। अगर 2 घंटा 5-10 मिनट होती तो और मज़ा आता, लेकिन फिल्म को जिस तरह से पेश किया है, रोहित शेट्टी की जो खासियत है कि वो बहुत कलरफुल मूवीज़ बनाते हैं और हर सीन में जान डाल देते हैं। सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इसीलिए फिल्म में मज़ा आता है। कहानी में भले ही नयापन ना हो, लेकिन देखकर लगता है कि यार चलो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं हम जिसमें हमें ज़्यादा जहन लगाना नहीं है, बस सिर्फ मज़े लेने हैं। और रणवीर सिंह जिस किरदार में घुस जाते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। रणवीर सिंह और क्या अजय देवगन को, अजय देवगन ने जो सिंघम में एक जगह कायम की, एक जगह बनाई, क्या उसको पार कर पाते हैं या और निखर के आते हैं? देखिए सिंघम का मतलब होता है शेर, सिम्बा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो बच्चा जो है सिम्बा जो है शेर की बराबरी नहीं कर सकता है, और भले ही जितने दृश्य में सिंघम सिम्बा के साथ हैं, जब जब सिम्बा अकेले हैं तो वो छाए हैं, लेकिन जब सिंघम और सिम्बा साथ हैं तो सिंघम उनसे ऊपर हैं। जिस तरह से अजय देवगन ने चश्मा निकाल कर गॉगल निकाल कर अपनी आँखें दिखाई, पूरी दुनिया उनकी आँखों की दीवानी है और मैं भी उनकी आँखों का दीवाना हूँ, तो वो आँखों में मैं खो गया था, तो उनकी बराबरी वो नहीं कर सकते। खुद रणवीर सिंह भी ये कहेंगे कि मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, और असल में उन्होंने बराबरी नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है। 5 में से स्टार जो है, मैं थोड़ा कहानी को अगर हटा दूं तो प्रेडिक्टेबल कहानी है, और सारा अली खान पता नहीं बीच बीच में गुम हो जाती हैं, तो ये थोड़ा 2-3 चीज़ें अगर छोड़ दूं तो 3.5 स्टार मैं इसे देना चाहूँगा। ओह द फिल्म वाज अ वेरी टिपिकल रोहित शेट्टी एंटरटेनर एंड आई लव्ड इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिम्बा? I think Simba Ranveer Singh was the best part. I think he did full justice to the character. He was very apt for the character. I think Ajay Devgan ke baad agar koi, you know, we get the feel of, you know, Singham and the Simba thing, it's Ranveer, and he was fabulous. Comedy is appreciated, you know, he presented comedy in altogether in a different way. What's your take on that? You have just seen the film. Yeah, I think it was very nice. It was very smart way of doing it, because it was not a very typical comedy flavor, but he did it full justice, Ranveer Singh, and I think it's a very very typical Rohit Shetty. I'm using typical because it's because in the past Rohit Shetty has like Dilwale didn't do that well, but I think he is back. Yes, this is his forte. This is his genre, and he's
absolutely nailed it and I loved it. Who's a better performer, Ajay Devgn or oh, there is no comparison at all. I mean, both are very charming, very good looking and very smart, and they both are fabulous actors. I think I can't compare them. I think Ranveer is, you know, best at the way he does it, and Ajay Devgn is, you know, he's a legend. Do you think Sara uses a filler? Sara was not bad. Whatever screen space she got, she did her best. I think she was good. Music was good, yeah. Out of 5 stars, I'm gonna start with you. 5. It's thank entertaining. You so, thank you so much. Thank you so much. Hello. You have just seen the film. Tell us how much you loved it, how much you liked it. I loved it totally. Bahut time ke baad, ek commercial film. And आई मीन ऐसा कोई लूप होल नहीं है जो आप पॉइंट आउट कर सको. और मैंने बहुत टाइम के बाद एक फिल्म एक ऑडियंस के हैसियत से देखी. आई एम एन एक्टर माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर का एक्टर जगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं ऑडियंस की तरह गई और मुझे ऑडियंस की तरह बहुत मज़ा आया. कॉमेडी की मैं बात करूँ, एक अलग लिहाज से एक अलग तरह से रणवीर रोहित ने प्रेजेंट करने की कोशिश की. जी रणवीर को जब मैं कॉमेडी की बात करूँ, इफ़ रोहित सर का वो इंटेंशन रहा है कि वो रणवीर जी से कॉमेडी करवाना चाहते हैं, वो 100% मार्क्स के साथ पास हो चुके हैं. ओके, हुज़ अ बेटर परफॉर्मर, अजय देवगन और रणवीर? यू कांट कंपेयर रियली. द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड व्हेन इन द क्लाइमैक्स व्हेन अजय सर एंड रणवीर जी स्टैंड टुगेदर, आप बता ही नहीं सकते कि दोनों में इतने सालों का फ़र्क है. म्यूज़िक तो है ही है सर, आप बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म देखिए. Beautiful, refreshing. Out of 5 stars, sir? 500. Not even 5 stars, 500. Rohit Shetty, sir, you started a franchise so many years ago and it's still doing so well. Sir, main aapki bahut badi fan hoon. Genuinely. Amazing. Thank you, sir. Main phone karta hoon. Ye movie super hit hai, bhai. Super hit. Film mein sabhi acha hai. Action, emotion, aur jo Rohit Shetty ki film mein hota hai, jo film mein hona chahiye. Sab kuch hai. Haan. रणवीर एक्चुअली मेरा फेवरेट एक्टर है, तो मैं अगर उसने बुरा किया भी होगा तो मैं उसको अच्छा ही बोलूँगा. लेकिन इस फिल्म में वो आई मीन बीट इमोशन एक्शन हर चीज़ में वो एक नंबर है, हर चीज़ में. हाँ, नहीं ये कंपैरिजन तो बड़ा गलत होगा. हर दोनों एक्टर अपनी अपनी जगह पर है ना, एक मुकाम बनाए रखे हुए हैं. डेफिनेटली इन दोनों में अगर होलसम एंटरटेनर अगर गिना जाएगा तो रणवीर सिंह को गिना जाएगा. मतलब कैसा लगता है जब ऑन स्क्रीन दोनों एक साथ आप देखते हैं और ये रोहित शेट्टी फार्मूला है? नहीं, वो रणवीर की एक्चुअली खासियत है कि वो कैसे मान गया था कि लास्ट में आके अजय देवगन जो पूरा क्रेडिट लेके जाता है. मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सिटी जब अजय देवगन आता है तभी बचती है. मतलब वो उसको हैट्स ऑफ है कि एक्टर वो रेडी हो गया इस चीज़ के लिए. मतलब है ना कि दूसरा स्टार आके उसका पूरा क्रेडिट लेके जाता है एंड में, लेकिन वैसा था. हाँ, म्यूज़िक फिल्म में थोड़ा सा मतलब वही है कि पुराने गाने को रिमिक्स किया, वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी. लेकिन आजकल का जो दौर है तो वही चल रहा है, तो वो इसमें भी यही चला है. कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 4 एंड हाफ. थैंक यू. सिम्बा देख के आ रही हूँ मैं. आई लव रणवीर सिंह, क्या रोल है. मतलब मानना पड़ेगा डिफरेंट पुलिस के रोल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से बॉडी बनाई है, जिस तरीके से मराठी बोला है कैरेक्टर. मतलब एकदम घुस गया रणवीर सिंह, जैसे बोला जाता है कि अपने फिल्म के रोल में वो अंदर के तरीके से घुस जाते हैं. बहुत अच्छा लगा. आई रियली लव. हाँ, थोड़ी कॉमेडी है, बहुत डिफरेंट है. मैंने देखा नहीं है रणवीर को कभी इस रोल में, लेकिन वो रोहित शेट्टी के लिए बोलना चाहेंगे कि उन्होंने ये करवा लिया रणवीर सिंह से. बिकॉज रणवीर जिस कॉमेडी वो भी करते हैं अपने कई फिल्मों में, बट इस तरीके की नहीं. तो सल्यूट टू रोहित शेट्टी जिन्होंने ऐसा करवाया है. अफकोर्स रणवीर सिंह, पूरी मूवी रणवीर सिंह की है. तो अजय देवगन तो मतलब अफकोर्स इस सिम्बा में बोला चाहे तो रणवीर सिंह ने क्या बोलते हैं अच्छा परफॉर्म किया है. बाकी सिंघम का तो कोई मात नहीं दे सकता. सिंघम तो सिंघम ही है उसमें. तो अजय देवगन अलग है, रणवीर सिंह अलग है. तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा. तो अभी तो सिम्बा के हिसाब से सारा लुक वाइज बहुत अच्छी थी. एक्टिंग भी उनकी ठीक है, मतलब बस बहुत कम दिखी है. तो लुकिंग और ड्रेसिंग उनका बहुत अच्छा है. बस सारा मतलब ठीक है. थैंक यू सो मच.
5 स्टार दूंगे, पैसा वसूल है. Very exciting, and I said everybody should go and watch it time and again. Thank you, guys. Ranveer, Ranveer, Karan, it has been said. This is a different form of comedy. Karan, 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 this has been said. It's a different form of comedy. Thank you, guys. Thank you. Karan, Karan, it's a different form of comedy. People loving the film. So. बहुत अच्छा है. बहुत जैसी उनकी फिल्म होती रोहित शेट्टी की, बिल्कुल उसी तरह की है. हमने सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बार राकेश मारिया से पूछा था कि सिंघम ने आपके पुलिस का कितना मॉरल बूस्ट किया, तो बोले सिंघम ने तो किया ही, लेकिन इसका मैं क्रेडिट रोहित शेट्टी को देना चाहूँगा. तो उस चीज़ पर वो बिल्कुल खरे उतरे. पुलिस वालों की कुछ कमियाँ भी दिखाई तो उनका एक अच्छा रूप भी दिखाया. रणवीर सिंह के बारे में क्या कहा? बहुत अच्छा, बहुत छा गया रणवीर सिंह. और वैसे भी वो बहुत टैलेंटेड हैं और मुंबईकर हैं, तो उनकी मराठी और उसका टच बहुत बढ़िया लगा. बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो उत्तर भारतीय हैं. मराठी सारा लिख जब अजय देवगन की फिल्म का हिस्सा है, एड में आते हैं, क्या रणवीर फीके पड़ते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. रणवीर कहीं भी फीका नहीं पड़ते, बल्कि उनके आने से जैसे केक में ऊपर एक सोने पे सुहागा. 5 में से मैं इसको 3.5 देना चाहूँगी. आई लव रणवीर, वेरी गुड मूवी. क्या कहना चाहिए? पिक्चर अच्छा था. क्या खास लगा आपको रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में? अलग तरह की कॉमेडी की. बेस्ट एंट्री वाज अजय देवगन एंड अक्षय. अच्छा, मतलब अजय देवगन और रणवीर सिंह में ज्यादा कौन अच्छा लगा आपको स्क्रीन पे? बोथ. बोथ. कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 5. थैंक यू. एंड बी यू वोंट फील बोर्ड. द ओनली थिंग वाज दैट आई मिस्ड सारा अली खान आफ्टर द इंटरवल, एंड इट्स एन अमेजिंग मूवी. एंड एक्चुअली रेपिस्ट के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा हुआ एंड में. एंड द गेस्ट अपीयरेंसेस आर जस्ट अमेजिंग. गूज़बम्प्स. Amazing movie. Who's the better performer, Ajay Devgan or Ranveer Singh? When he comes, you know, as you said, as a guest appearance. Yeah. So are you talking about Singham versus Simba? Both. Both. We you can't choose. Okay, what is the music of the film? Sorry? Music of the film. Music of the film. Amazing. And I love that song. The first is the romantic song which is there, which is Arati Ribbon, yeah. And it's amazing. Ranveer Singh as a comedian. Timing. Did he justify it? Justify it? He just fascinated. He fascinates me every time I watch his movies. He's just amazing. I'm speechless after the movie. It's amazing, amazing, amazing. Out of 5, how many stars? 5.5. Thank you so much. The first half was comedy tha aur sabka acting ho gaya. Ranveer Singh aur Ajay Devgan kaun zyada acha laga? Ranveer Singh beat Ajay Devgan. It's a really amazing movie. What do you think about the comedy? Ticket the comedy? Tino. कॉमेडी बहुत अच्छी है और एंडिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास. थ्रिलर एक्टिंग है एकदम, सस्पेंस. 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? फुल 10/5. थैंक यू. मेरे टॉप 3 डायरेक्टर्स में से एक हैं और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा काम उन्होंने किया. और मेरे ख्याल से साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है. रणवीर सिंह के बारे में कहना चाहेंगे? रणवीर सिंह कोई तोड़ नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं है. अजय देवगन और रणवीर सिंह जब अब अजय सर इज द मोस्ट सीनियर एक्टर एंड रणवीर सर इज टू गुड एंड कांट से, बट अजय देवगन सर की एंट्री तो माइंड ब्लोइंग थी, एक्सपेक्ट ही नहीं था. 5/5, मोर देन 5. और रणवीर सर इज अ वेरी गुड एक्टर. Disgusting. Any question? Just leave that. क्या कहना चाहेंगे अभी आप सिंबा देख के? अरे सुपर 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 हिट है, सुपर से ऊपर हिट है. क्या खास लगा आपको फिल्म? बहुत सुपर. रेपिस्ट के ऊपर जो बनाई है, जो स्टोरी जो रोहित शेट्टी ने सोचा ना, बड़ा सैल्यूट है रोहित शेट्टी को. एक नंबर. और रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में? अरे वो तो लाजवाब पहले से है, रहेगा और था. उसने बॉम्ब फोड़ दिया, 2018 का. बाजीराव सिंघम में ज्यादा अच्छे रहे या इस मराठी के सिंबा में? जो डायलॉग्स है ऑल ऐसे नहीं हो सकते कि एक डायलॉग दो, पूरे डायलॉग्स सुपर है. डायलॉग्स मस्त है. उनके वन लाइनर भी बड़े फेमस होते हैं इसमें, बहुत यूज किया इन्होंने. उसके बारे में भी बताना चाहेंगे जो आपको डायलॉग याद हो फिल्म से? माइंड इज ब्लोइंग. ते मला सांगा जो मला, टेल मी समथिंग आई डोंट नो. आई डोंट नो, नहीं ते मला सांगा. कड़क है भाई, कड़क जो एक्टिंग सारा, तो ओवरलोडेड क्यूटनेस.
और एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अजय देवगन और रणवीर सिंह जब दोनों स्क्रीन पे आते हैं उनका डियो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहिए? सुपर हिट है। अजय देवगन तो अजय देवगन सिंघम है, भाले राम सिंबा सिंघम प्लस सिंबा। सिंबा कितने स्टार देना चाहिए? 5% अगर आप उनके लिए डांस करते हैं सिंघम के लिए। अरे बाप रे, कैसे करेंगे? अरे आला सिंबा आला पुलिस पुलिस। थैंक यू सिंबा, बहुत अच्छी मूवी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है एंड कॉमेडी भी है, बहुत सारा एक्शन भी है और इमोशंस भी है, मैसेज भी अच्छा है उसमें और रणवीर इज लाइक सुपर्ब, यू विल लव हिम इन पुलिस यूनिफॉर्म। हाँ, जो भी कॉमेडी है वो अच्छी लगी है रणवीर सिंह ने और कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत सुपर्ब है उनकी और जो मैसेज दिया है लड़कियों के और रेप के अगेंस्ट जो भी उनका मैसेज था वो भी बहुत सुपर्ब है और मुझे लगता है सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। अजय देवगन और रणवीर सिंह दोनों को एक साथ स्क्रीन पे देखना, बहुत सही। एक्चुअली अजय देवगन की एंट्री इतनी सुपर्ब की थी कि बहुत सारी सीटियाँ बजने लगी और उसके बाद दोनों की साथ में एंट्री, दैट वॉज लाइक mind blowing experience to watch. Baat mein kitne star denge aap? 4 stars. Thank you so much. Hello. Are de na yaar. Kya kahenge? फिल्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, बहुत सादगी के साथ फिल्म उन्होंने पेश किया है। निर्माता निर्देशक को बधाई दूंगा, पूरी टीम को बधाई दूंगा और सबसे बड़ी बात जो मीडियाकर्मी ने उसको सहारा दिया और प्रोत्साहन दिया, बढ़ाया, जो वास्तविकता मीडिया ने वही दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिल्म बड़ी खूबसूरती के साथ निखार कर बनाई गई है, पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। नए साल में निर्माता निर्देशक पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बहुत कठिन। सो अजय की एंट्री वाज सुपर बट रणवीर ये पिक्चर में ही हैज आउट परफॉर्म एवरीबॉडी मेरे हिसाब से। मैं रणवीर को थोड़े ज्यादा मार्क दूंगा। सारा अली वाज गुड। अजय देवगन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, अजय देवगन भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और रणवीर भी अपनी जगह बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं 4.5 स्टार दूंगा ये पिक्चर को। मैं 4 स्टार दूंगा दोनों को। फिल्म बोले तो माइंड इज ब्लोइंग थी, एकदम फाड़ू सुपर्ब थी और एक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा था और लास्ट वाली एंट्री वो भी कड़क थी। सिंघम वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोनों ही एक जैसी है, फाड़ू है दोनों। हाँ वो तो मुझे पसंद ही आती है, अभी केदारनाथ से आगे यही है ना। गाने भी अच्छे हैं। 5